Oh, no.
Yeah.
और प्रभु पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के राज के भागी होता है, एक आत्मा छुड़ाया गया, हालेलुया, परमेश्वर के राज के भागीदार हो गया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी खुशी की बात मैं बताना चाहूंगा, हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर जोज सिंह आते भोपाल से उपस्थित है, प्रभु के दास को हम जोरदार ताली बजाकर सभा में हम स्वागत करेंगे। समय ज्यादा नहीं गंवाना चाहूंगा, आज बहुत सारा कार्यक्रम है हमारे बीच में, सो हम आगे बढ़ेंगे वचन की सेवकाई और हम जाएंगे प्रभु के दास को हम आगे बुलाएंगे, हालेलुया। प्रेस द लॉर्ड,
मेरे मन में बहुत सारे सबसे जाए हैं, लेकिन मैं सबके पीछे नहीं जाऊंगा। कुछ बातें, कुछ वचन जो बपतिस्मा लिए हुए लोगों के लिए बोलूंगा, आप सबके लिए है। होशेई चैप्टर 6 वर्स 11 पढ़िएगा। द बुक ऑफ होशेआ चैप्टर 6 वर्स 11। हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदला ठहराया हुआ है। हालेलुया, आपके निमित्त, आपके कारण परमेश्वर बोलते हैं बदला ठहराया हुआ है। हालेलुया, उसके मतलब आपकी स्थिति को परमेश्वर बदलने जा रहा है। हालेलुया, आपकी आज की स्थिति को परमेश्वर क्या करेगा? बदलने जा रहा है। कितने लोग विश्वास है परमेश्वर आज से मेरे स्थिति को बदलेगा? हालेलुया, एक दूसरे को हाथ देकर बोलो, परमेश्वर आज से आपकी स्थिति को बदलने जा रहा है। विश्वास अपने स्टाइल के लिए मत बोलना। प्रेसर आजकल पास्टर ऐसे करता है, करवाता भी है, लेकिन वो एक आदत नहीं है, एक अनुभव होना चाहिए। यहां से आप कुछ भी ले जाओगे वो सब विश्वास से ही प्राप्त होगा। यहां पर विश्वास की प्रैक्टिस होता है चर्च के अंदर। यहां पर केवल सुनने के लिए बताना, सुन के आपको करना पड़ेगा। हालेलुया, कई विषय हमारे पास है, लेकिन प्रभु बोलते हैं आपको, प्रभु कहता है यहूदा। कौन? यहूदा। यहूदा जो शब्द है उसका मैं स्तुति करने वाला। अभी कितना सुंदर आराधना चल रहा था, अच्छे अच्छे गीत गा रहा था, यहाँ पर नारा भी लगाया जिंदाबाद। एक गीत में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सचमुच में ये शब्द यूज करने के लायक योग्य हम ही लोग ही है। हालेलुया, बाकी जिंदाबाद 5 साल के लिए होगा। एक पापी का जिंदाबाद कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अगले साल में चेंज हो जाता है, जिंदाबाद नहीं क्या, उसके बाद बोलेगा मुर्दाबाद। यही है हमारी संसार की हालत, एक जगह पर जिंदाबाद, दूसरी जगह पर मुर्दाबाद। और हमारी जिंदाबाद कितने दिन के लिए होगा, कितने साल के लिए होगा? हमारा जीवन भर। रखा है प्रभु पूछता है, आज आप लोग से कितने लोग हैं परमेश्वर
बार आप बोलेगा तुमको आशीष पाने नहीं दूंगा, आप कहेंगे मैं पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि अब मेरा साथ मेरा प्रभु है, मेरा यीशु है। यीशु जो बात कहता है वो हाँ की हाँ, ना की ना होता है। यदि वो हाँ बोलने के बाद ना करने वाला नहीं है, बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, कभी ना बदलने वाले ईश्वर की एक परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस संसार बहुत ही धोखा देता है, सब लोग धोखा में नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे। परमेश्वर आपकी आपकी जीवन में बदलाव देने जा रहा है, परमेश्वर आपकी जीवन की स्थिति को बदलने जा रहा है। लेकिन कुछ बातों से आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। मैं उस बात को मैं आप लोगों के सामने पढ़ने के लिए चाहता हूँ, उसी पुस्तक का कौन सा पुस्तक, कौन से चार अध्याय उसका चक्रों पर बड़ी सबसे ज्यादा
ढूंढिए, मम्मी पापा का ढूंढिए। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास शायद करोड़ों रुपए हो सकता है, लेकिन बच्चे को ज्यादा पैसा देना है नहीं देना है? नहीं देना। प्रेज द लॉर्ड। पैसा इकट्ठा कर करो तो नहीं तो तुम्हारा पैसा अस्पताल में जाएगा, पुलिस थाना में जाएगा, अदालत में जाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत का पैसा बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। वो पैसा किसी गरीब को दो, किसी जरूरतमंद को दे दो, तुम्हारा जीवन में, तुम्हारे परिवार में भलाई हमेशा बने रहेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, बालक को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस मार्ग पर वो चलना चाहिए। बच्चे को नहीं मालूम, पेरेंट्स को मालूम है, माता पिता को मालूम है। इसे सबसे पहले माता पिता परमेश्वर के वचन को सीखना है। आज कुछ बहनों को मैं देखा अनपढ़ है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आने वाले दिनों में उनको बहुत ज्ञान देगा, बहुत ज्ञान देगा। छत्तीसगढ़ की अकादमी का मैं गवाही बताना चाहता हूँ, शायद आप लोग अनपढ़ बहुत सारी पुरानी बात है, वचन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। एक दिन उसके अंदर इतना दुख आया, प्रभु मैं अनपढ़ लड़ी हूँ, मैं वचन नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं आपका वचन को कैसे समझ पाएगी। पास्टर लोग वचन बोलता है, विश्वासी लोग बाइबल पढ़ते हैं, आनंद उठा रहा है, एक केवल सुनते रहता है, लेकिन सुनने से उसका क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। मैं भी कई बार मैं दो तीन चार पांच छात्रों तक पढ़ लेता है, लेकिन फिर मैं सोचता मैं क्या पढ़ा, पढ़ तो लिया है, लेकिन जो पढ़ा हुआ विषय को मेरे अंदर नहीं लाया मैंने। आप भी पढ़ सकते हैं, प्रार्थना नहीं, कुछ लोग क्या प्रार्थना किया पता नहीं, लेकिन प्रार्थना किया है। आपने कौन सा वचन पढ़ा है, लेकिन कौन सा वचन पढ़ा है वो भी नहीं मालूम। कुछ लोग आज का प्रचार इतना अच्छा था, कौन सा प्रचार किया क्या मालूम, ये सब होगा हमारा बीच में। लेकिन वो आंटी जी और ध्यान से मुझे सुनती थी। एक दिन परमेश्वर से एक शिकायत किया, एक सबूत मांगी वो, क्योंकि बाइबल ने लिखा है जो वचन पढ़ते हैं उनके साथ वचन है ना। तो उन्होंने परमेश्वर से ये मांगा, यदि परमेश्वर मेरा साथ है तो मुझे आज एक प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए। उन्होंने परमेश्वर के सामने एक चिन्ह ऐसा रखा, उनके घर के सामने एक नदी था, एकदम बाढ़ देख सको बारिश का टाइम, बाढ़ में उस नदी में उतरी। आप बोले बाढ़ के समय नदी में जो पानी आता है अच्छा पानी है गंदा पानी है? गंदा पानी है, एकदम गंदा, एकदम गंदा पानी, उसका कलर भी अलग है। लेकिन वो आंटी जी उस पानी में उतर गई। उसके बाद उन्होंने ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु यदि परमेश्वर मेरा साथ है तो ये पानी को मीठा करके मुझे देना। हालेलुया। ये अमेरिका की कहानी नहीं, छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट का घटना बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से ये मांगे, यदि आप मेरा साथ है, चिन्ह मांगी है, यदि आप मेरा साथ है तो ये गंदा पानी, नदी का पानी पी कर देखा कभी है? पापा कोला जैसा लगता है क्या है? माजा जैसा लगता है? है? नहीं है ना। तो वो पानी को आंटी जी हाथ में ले ली, ये प्रार्थना किया, यदि प्रभु यदि आप मेरे साथ है तो ये गंदा पानी को क्या करे, मीठा करे। पानी ली और पी हिम्मत पान, उसका अंदर ये विश्वास है इसमें परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो रही है। खाना की शादी की अब दुकान हो गया। खाना की शादी में क्या किया परमेश्वर ने, पानी को दाखरस बनाया। उसके मतलब बाइबल की अंदर की सही चमत्कार उस आंधी के जीव में करके परमेश्वर अपनी उपस्थिति प्रकट किया।
कैसा लगा? सुपर फैबुलस मेडिना हालेलुया। अंगूर का जो जूस होता है ना वो टेस्ट है परफेक्ट। एक बार पी ली, दो बार पी ली, ठीक है देखा टेस्ट नहीं बदलते हैं, वो सेम टेस्ट बार बार दे देंगे। उसको समझ में आ गया मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता है और मेरा साथ देता है, वो मेरा संग चलता है। परमेश्वर ऐसा भला है, परमेश्वर रेडी है आपके लिए, आप खुद कार्य करने के लिए। वो परमेश्वर आज कहाँ है? वो परमेश्वर आज कहाँ है? हमारा बीच में है, हमारा बीच में वो परमेश्वर आ चुका है। आज आपके जीवन में परमेश्वर आप खुद कार्य करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलने का मतलब अनेक माता पिता परमेश्वर के ज्ञान को ना रखने के कारण, उसको तुच्छ जानने के कारण क्या होता है मालूम है? बाल हम क्या लिखा था? क्या कहाँ चले गए? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याचक रहने के आयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। कितने दुख की बात होगा, कितने भयानक दर्द देने वाली बात हो सकता है ये बात। अपने लड़के वाले को क्या करेगा? छोड़ देगा। इतना भयंकर काम परमेश्वर से आपको मैं नहीं करवाना। ये तो पाप ये है, परमेश्वर का ज्ञान को हम क्या करता है? कुछ जानता है। परमेश्वर को ज्ञान को ना रखने के कारण हम और हमारा परिवार नाश हो जाता है। प्रेसो तीसरी और दूसरी जो पाप है भूल जाता है ना। प्रेसो तज दिया है। दूसरा श्राप है परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। प्रेस द लॉर्ड। और तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, आलू 14 आयत में आई, 14 उसी का 4 का 14 छोटी। जब तुम्हारी बेटियां छिनाल कर तुम्हारी बहुएं वे विचार करे, तब मैं उनको दंड न दूंगा, क्योंकि पुरुष आप ही वेश्याओं के साथ एकांत में जाते और देवदासियों के साथी होकर यज्ञ करते हैं, और जो लोग समझ नहीं रखते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। वे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, हो जाएंगे। क्या नहीं रखने का कारण? क्या समझ है ना? समझ ना रखने के कारण लोग क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ये समझ कहां से हम पाएंगे? परमेश्वर का वचनों से पाएंगे। जब यीशु मसीह जी उठा, जी उठने के बाद बाइबल लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने अपने चेले लोगों का समझ को खोला। उसके पहले समझ खुला नहीं था। जी उठने के बाद यीशु मसीह स्वर्ग के उठा लिया जाने के पहले परमेश्वर ने अपने चेले लोगों को क्या खोला? समझ को खोल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरा प्यारो इन दिनों में परमेश्वर की उस वचनों को कुछ नहीं जाना है, तज नहीं करना है और बुद्धि को छोड़ना नहीं चाहिए। परमेश्वर वचन को पढ़ो, ग्रहण करो, उसके अनुसार परमेश्वर की वचन के अनुसार हमें चलना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो बपतिस्मा लिए हैं उनके लिए भी कुछ वचन मैं बोलना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ज्ञान प्राप्त कर लेना। क्या प्राप्त करना है? ज्ञान की बात आपको बताना चाहता हूँ। फिलिप्पियों का पत्र 2:6 पढ़िएगा। जो लोग बपतिस्मा लिए हैं वे इस वचनों पर ध्यान देते जाएं। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। प्रभु करके क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। आज किसको ग्रहण किया आप लोगों ने? यीशु प्रभु को ग्रहण कर लिया। आज फर्स्ट डे प्रेस कर लिया तुम। वैसे ही उसी में चलते रहो। इसी में क्या करना है? चलते रहो। चलता रहो और उसी में जड़ पकड़ते। उसी में किसमें? मसीह में जड़ पकड़ते रहो और बढ़ते जाओ। और बढ़ते जाने का
परमेश्वर चाहता है आप सब बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, आराधना के जीवन में बढ़ना है, उपवास प्रार्थना की जो संग्रह उसी में बढ़ना है, और आपकी संगति में आप लोग बढ़ना है, चर्च में संगति करने का जो स्वभाव आदत उसको आप और बढ़ाना है। हालेलुया। और आगे और जैसे तुम सिखाए गए हो, जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में, वैसे ही तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ, दृढ़ होते जाओ और अधिकारी धन्यवाद करते रहो। और अधिकारी क्या करना चाहिए? धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद, धन्यवाद देने में कंजूसी ना करना। क्या नहीं करना? कंजूसी नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका घर में जो आराधना होता है वहां पर आपको आराधना करने के लिए इतना स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, आजादी नहीं मिलेगा, लेकिन चर्च में आपको जिस प्रकार आराधना करना है उसी के लिए क्या काम है, फ्रीडम है, नाच के आराधना। हम देख रहे हैं छोटा बेटा है, हम इतना नाचना है, उसका आनंद है, उस समय दूसरे के बेटे भाव दूसरा दुनिया वो दूसरा दुनिया में, यहाँ पर दूसरे के बैठे इतना नाचना था, मुझे इतना आनंद आया देखे। प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। हमें बढ़ना है और अधिकारी क्या करना है? धन्यवाद। चर्च में आते समय खूब धन्यवाद देना। किसको? पास्टर को, गेस्ट पास्टर को, पड़ोसी को, लो किसको धन्यवाद करना है? कितना धन्यवाद देना है? व्यक्ति अधिकाधिक धन्यवाद देना है। उसके मतलब मंडली में कलीसिया में आके प्रभु के लिए चुपचाप नहीं रहना, भजन सुनते ही सुनते ही क्या करना है? धन्यवाद देते जाना, धन्यवाद देते जाना। भजन जैसे सुनाया जाएगा, ओ धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए, ओ धन्यवाद प्रभु इस संदेश के लिए, मैं यीशु के नाम से इस वचन को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। बोलते जाओ, वचन की शक्ति आपके जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करेगा। प्रैक्टिस करना है हमें। प्रेस द लॉर्ड। वहां पर लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास पे दृढ़ होते जाओ। आजकल मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुरुपदेश का समय है। दुरुपदेश, प्रेस द लॉर्ड, बाइबल के उपदेश ने दूसरा उपदेश। अभी कुछ दिन पहले एक बेटा हमारे चर्च के अभी थोड़ा प्रभु में और आगे बढ़ रहा है, वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होकर बैठा है। उनके चर्च में कुछ ग्रुप के लोग पहुंचे, प्रेस द लॉर्ड, और उन लोग क्या किया, एक नया ईश्वर की पहचान परिचय उनको दिलाया। वो है माता परमेश्वर। माता परमेश्वर, माता पर आप सुनाएंगे, माता परमेश्वर है ना, हमारा भारत में पूरा माता परमेश्वर, पिता परमेश्वर इंद्रा है। हालेलुया, हालेलुया। माता परमेश्वर से हमारा देश पूरा भरा हुआ है, लेकिन पिता परमेश्वर एक ही है, वो हमारा अधिक है। हालेलुया। और उसके बाद वो खूब सारे वचन बोल देता है, लोगों को भड़का देता है। तो उस बेटे को बोला, वचन पढ़ो, समझ में आ रहा, ये ऐसे सिस्टम बाइबल में नहीं है। जहाँ जहाँ परमेश्वर का नाम दिया गया है वहां पर अंग्रेजी में पता चलेंगे विशेष में, और मैं ही उसने किया, ही यूज किया है। भाई चलो, आगे एलिशा भी है मेरे पिता करके पुकारता है। पुराने नियम में कोई कोई भी शब्द परमेश्वर है मेरा माता ऐसे कर पुकार है, सुना है कहीं? यदि हमारे पूर्वज लोग हैं, उनके लोग जो बाइबल के अंदर के संत लोग हमारे जीवित परमेश्वर को पिता करके कहा है, पुकार है, तो हम भी उसी मार्ग में चलना है कि नहीं? चलना है कि नहीं? चलना है। इसके खिलाफ में यदि कोई नई उपदेश लेकर आता है, बाइबल ने लिखा है उनको नमस्कार भी नहीं करना और उनको घर के अंदर उसने नहीं देना, उनका कुछ भी उनके साथ कोई भी किसी प्रकार की बातचीत नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर उनसे भय रखता है। हालेलुया। परमेश्वर जिनसे भय रखता है उनसे आप प्रेम करने जाओगे आप स्थापित हो जाएंगे। हालेलुया। एक बार शाऊल को परमेश्वर ने बोला, तू फलाने जगह पर जाना है, युद्ध करना है, किसी को ऊपर दया नहीं करना, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, किसी को ऊपर दया नहीं करना, पाप हो गया। मेरा कह रहा हूं, पहले देखना है
मैंने ये काम मैंने ये संगति परमेश्वर के लिए भावता हुआ है क्या या नहीं, परमेश्वर इस काम करने में प्रसन्न हो गए या नहीं, ऐसे जांच कर ही हर एक काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक चर्च परमेश्वर का चर्च नहीं है, हालेलुया। हर एक जगह की आराधना परमेश्वर की आराधना नहीं है। आप लोग धन्य लोग हैं क्योंकि परमेश्वर ने आप सबों को इस चर्च में लेकर आया। जो उपदेश परमेश्वर की आत्मा प्रभु के दास के द्वारा दिया जाता है उसी में आप लोग जड़ पकड़ते रहना जैसे सिखाया जाता है। प्रेस लोग, आप व्यक्ति के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। उपवास रातों में कई लोग आएंगे जाएंगे, कई लोग का तरीका अलग है, दो काम उसमें बहुत सारे है। लोगों के बीच में ऐसे उपदेश बहुत निकल चुके हैं। प्रेस लोग, आपको शक्ति चाहिए, एक चीज और चाहिए मैं बताना चाहता हूं। यूहन्ना की पत्री में आई, यूहन्ना की पत्री में पहले यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 27 1 John 2:27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, बोलिए अभिषेक। अभिषेक नाम में आजकल बहुत सारे नाटक चल रहा है। अभिषेक सबको धक्का दे दिया, गिरा दिया, कुछ बाल खींच लिया, कुछ बात नहीं होता, गिर जाओ। ये कौन सा देश है मेरा प्यारो? हम अपना बुद्धि नहीं लगाना इस बातों में। हम लेकर अभिषेक का मतलब शक्ति है, ये नियुक्त करता है आपको कुछ काम करने के लिए। जो बपतिस्मा लिए हुए लोग के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग इस अभिषेक से भर जाना। ये अभिषेक का विशेषता क्या है, अभिषेक क्यों पाना है, पढ़िए आगे पढ़िए। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, जो उसकी ओर से, किसकी ओर से, वास्तु की ओर से, क्या परमेश्वर की ओर से किया है, तुम में बना रहता है। तुम में क्या करता है, बना रहा है। जो बपतिस्मा दिया है बहुत ध्यान देना, अभी से आप लोग प्रार्थना करना, प्रभु ये अभिषेक मुझे चाहिए। क्या प्रार्थना करें, ये अभिषेक मुझे चाहिए, पढ़ते चाहिए। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोगों ने अभिषेक पाया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कई जगह पर पता चलता है परमेश्वर की आत्मा नहीं है, कुछ सीखा नहीं आता। कुछ लोग बोलता है प्रभु पास्टर कैसे प्रार्थना करना है, मैं आपको ये आत्मा को पाने के लिए प्रार्थना करने के लिए वचन देना चाहता हूँ। हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक 11 अध्याय पहला पद पढ़ी, यशायाह नबी का पुस्तक 11 अध्याय सेकंड पढ़ी। यहोवा का आत्मा, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा आत्मा? यहोवा का। सब लोग बोलिए यहोवा की आत्मा। यहोवा का आत्मा। जोर से बोलिए ना, यहोवा का आत्मा। प्यार से बोलिए ना, ऊंची आवाज से बोलिए ना, से नहीं बोलना है। कौन सा आत्मा है? यहोवा की आत्मा। कौन सा है? बुद्धि और समझ का आत्मा। ओ, यहोवा की आत्मा को कैसे परखेगा? यहोवा की आत्मा में क्या है? बुद्धि है और समझ है, समझ है और युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा करना, प्रभु जी अर्पणा और यहोवा की
बुद्धि और समझ पढ़िए, मिलकर पढ़िए, यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा मुझ पर आ जाए। हालेलुया। कुछ अंधविश्वास में तो जाप होना करने वाले लोग कहा जाते हैं मन में कब्रस्तान में जाते हैं। हालेलुया। दाद के समय कुछ दिन पहले एक पंडित को आश किया, लेकिन एक दो जन उसको मैंने देखा था। क्यों? एक किस दिन एक आदमी को, जिंदा आदमी को गड्ढे में डाल दिया, पूरा ठाक दिया, समाधि दे दी, उसको जिंदा काट दिया। इसी में खबर दे दिया पुलिस वाले को, पुलिस वाले आ गया, उसको वहां को उठाया और एक दोनों पंडितों को क्या किया, अरेस्ट किया। अंधविश्वास शैतान की है, ये आपको पकड़ लिया तो छूटना बहुत मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें स्पेशल प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर पिता मुझे ये आत्मा चाहिए। जितने लोग बपतिस्मा लिए आप ये प्रार्थना करना, ये आत्मा मुझे चाहिए, ये अभिषेक मुझे चाहिए। अभी फिर से वापस आइए पहले जोन फर्स्ट जोन दूसरा अध्याय जो पढ़े हैं वो पढ़ते जल्दी आइए। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। ये आत्मा आने से क्या है और कोई आपको सिखाने का जरूरत नहीं। कोई भी विषय तो पास्टर को फोन करना, पास्टर को बुलाना जरूरत नहीं है। ये मिशन आपके जीवन में फिट कर दिया, ये नई मिशन, नई पावर, नई शक्ति यदि आपके अंदर फिट हो गया, आप किसी पास्टर का पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है चर्च में नहीं आना, पास्टर को नहीं बुलाना, प्रार्थना नहीं करवाना। आपकी पूरा भरोसा चर्च के ऊपर, पास्टर के ऊपर डालने में कोई जरूरत नहीं। फिर से पढ़िए बेटी। परंतु तुम्हारा वो वायु अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए परंत जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। सब बातें क्या करेगा, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहा जाना है, कहा नहीं जाना है, दोस्त कौन होना चाहिए, ये सारी बातें कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा को सहायक का नाम दिया है। आपका असली हेल्पर नॉट ए पास्टर, पास्टर आपका सहायक तो है सेकेंडरी, लेकिन पहला सहायक कौन होता है? परमेश्वर पवित्र आत्मा होता है। और आगे बढ़िए। और वह ये सच्चा है। ये कौन है? सच्चा है, मतलब आपको कभी धोखा नहीं देगा। थोड़ा सा परेशानी कभी कभी आ जाएगा, लेकिन ये ही आपको बताएगा आपको अब क्या करना है। और वह ये सच्चा है और झूठा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा क्या नहीं है? झूठा नहीं है। मैं क्यों चिल्ला किस बात बोलता है? क्योंकि जब मैं इस तरह बोलता है मेरा पवित्र आत्मा खुश हो जाता है। आप चुपचाप रहने से जैसे मेरा फीलिंग है वैसे आत्मा का फीलिंग, इनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मेरे बारे में प्रचार कर रहे, किसको आनंद नहीं है। अरे भैया ये सच्चा है, ये झूठा नहीं है। और आगे। और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। जैसे आपको सिखाया गया है वैसे तुम उसमें क्या है, बने रहते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करेगा। यीशु मसीह का जन्म के समय ज्योतिषी लोग पूर्व से आए थे, देखिए पढ़िए उसको भी हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति ज्योतिषी लोग मदद जब मक्की के सुसमाचार में आई, उसका दूसरा अध्याय दूसरा पद पढ़िए। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। पूर्व में उसका क्या देखा? तारा। तारा कुछ
या ज्योतिषी लोगों को कौन मार्ग दिखाया? प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों को कहां लेकर आ रहा है? बेथलहम में लेकर आ रहा है। कहां लेकर आ रहा है? यीशु के पास लेकर आ रहा है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे यीशु के पीछे निकलता है उनको इधर उधर भटकने नहीं देता परमेश्वर की आत्मा, उनको सही रास्ता में लेके जाता है। यहाँ पर ज्योतिष लोगों को कौन मार्गदर्शन दिखाता है, कौन लेके जा रहा है, कौन रास्ता बता रहा है? तारा, सारा नहीं, तारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन दिखा रहा है? तारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे और उसको प्रणाम करने आए हैं। वो क्या क्या करने आए? आपको आज घर से चर्च में कौन लेकर आया? कौन? तारा, तारा आपको कहां ले जाना है? आप यहां पर क्या कह के आया? परमेश्वर की स्तुति करने के आया। किसी को नहीं देखना है, लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं। धन्यवाद। बाइबल में लिखा है, हमें पढ़ा है, अभिवादी धन्यवाद हर बात के लिए धन्यवाद करना है। फिलिपी के चार चार में लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंद। हम चर्च में आकर रोने के लिए सोने के लिए नहीं आया, आनंद मनाने आया है। हमारे बहन लोग पास्टर साहब मिलकर इतना अच्छा से गीत गा रहा था, आनंद मना रहा। हम भी साथ में गीत गाता है तो स्तुति किसको जा रहा है? परमेश्वर को जाता है। आपकी आराधना ये कभी व्यर्थ नहीं गया क्या आनंदी? आज की आपकी आराधना को पूरा परमेश्वर स्वीकार कर लिया है। उसको देखा और उसको क्या किया? प्रणाम किया। और दसों पद बढ़िया दूसरा का दस। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। वो तारे को देखकर वो अति आनंदित हुए। आनंदित हुए। तारे के जगह पर अभी कौन है आपके जीवन में? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का नाम लेते ही आपके अंदर जियाना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के नाम लेकर आपको आनंद मिलना चाहिए। यदि आप थोड़े में विश्वास योग्य है तो परमेश्वर ज्यादा आपका जीवन कर देगा। एक संडे आप आराधना में आ गया तो परमेश्वर आने वाले दिनों में 10 संडे लगातार आराधना करने का अवसर देगा। यदि 10 संडे में आप विश्वास योग्य निकला, जीवन भर हर संडे चर्च में आने का अवसर प्रभु देगा। पहले समय नहीं, आज कल सारे मेन एग्जाम और इंटरव्यू कब होता है? संडे। ये संडे को आप बहुमूल्य समझो। बपतिस्मा लिए हुए लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये भी संडे कभी नहीं छोड़ो। हर संडे इधर आके क्या करना है? परीक्षा बच्चों का संडे सिद्धांत को मालूम है, संडे आशीष का दिन है। कौन सा दिन है? इसको आशीष पाने नहीं दूंगा बोल के एग्जाम रखा है। आप प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर स्थिति को क्या करेगा? बदल दे। वो सबसे पहले यहूदा का स्थिति को परमेश्वर बदलने जा रहा है। आपके लिए तो बदला रखा हुआ है। हालेलुया। कलीसिया का समय आने वाला है, अभी पीड़ा की समय है। आप रोकते रोकते रहो, एक दिन आएगा हमारे यीशु आएगा, हमेशा के लिए फ्रीडम दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अब तारे को देख के क्या हो गया? अधिक आनंदित हुआ। पर क्या किया उन्होंने? उस घर में, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक की माता मरियम के, उस बालक की माता मरियम के साथ देखा। उसकी माता मरियम के साथ देखा। किसके साथ? यीशु को देखा। माता मरियम ज्योतिष लोग किसको देख के आनंदित हुआ? तारे को देखो पहले, क्योंकि एड्रेस डेस्टिनेशन में पहुंचा नहीं था। लेकिन यहाँ पर आके आनंदित नहीं है, माता का साथ देखा और क्या किया? मुंह के बल पर गिरकर, मुंह के बल पर गिरकर किसका प्रणाम किया? यीशु मसीह की प्रणाम किया। हालेलुया। उनका जीवन की लक्ष्य यही था, यीशु की आराधना करना।
हमारे चर्च में आने के एक ही लक्ष्य है आराम करके पानी पी के खाना खा के गीत गा के चले जाना नहीं, हमारी लक्ष्य है आज परमेश्वर की आराधना पद मनन से धन से करना है। हमारे लक्ष्य से हमें भी इधर उधर लेके नहीं जाना चाहिए। आपको एक लक्ष्य के साथ परमेश्वर आज हमर लेकर आया है, आज परमेश्वर की आराधना करना है। मैं एक और बात में पढ़ना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना ने समझा उसका 11 का 45 पढ़िए, यूहन्ना जॉन 11:15। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे, यहाँ पर भी देखना कुछ यहूदी लोग किसके पास आया, मरियम के पास आए थे, मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उसके यह काम देखा था, किसका काम, मरियम है, देख रहा पढ़ो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हाँ, आगे पीछे पढ़ लेना, समझ में आएगा किसका काम है, यीशु का काम। लोग आए थे मरियम के पास, काम किसने किया, यीशु मसीह ने किया। विश्वास किसके ऊपर किया, मरियम को पर किया, यीशु को पर किया, यीशु के जो काम करेगा उस पर भी काम विश्वास करेगा। हालेलुया, जो काम करेगा उस पर क्या करेगा, विश्वास करेगा। हम भी कई जगह पर भटके हुए थे, कहीं मंदिर गया, कहीं चर्च गया, कहीं गिरजा घर गया, कई जगह पर जा जाके अंत में हम यीशु के पास आए। हालेलुया, आपके जीवन मेरे जीवन में कौन काम किया है, कौन काम किया, यीशु मसीह का किया। हालेलुया, कौन काम किया, प्रभु यीशु मसीह काम किया। आगे भी ये प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में काम करने पाए। हालेलुया, मैं हम समाप्त करना चाहता हूँ, फिलहाल मेरे प्रचार का मैं समाप्त कर रहा हूँ। परमेश्वर जब भी प्रेम विषय लेंगे तो और बहुत ज्यादा समय मिलेगा। जो संदेश प्रभु ने मेरे अंदर डाले थे कुछ वचन, वो वचन मैं आपके सामने रखा है। आपको अपने आत्मिक जीवन के अंदर आत्मिक अनुभव को लाना पड़ेगा, पवित्र आत्मा का अगुवाई में आप चलना। ज्योतिष तारे को देख के अति आनंदित हुआ, लेकिन अभी आपका मार्गदर्शन दिखाने वाला पवित्र आत्मा है। आपकी एक क्रिश्चियन लाइफ, हमारे मसीह जीवन को सक्सेस बनाने के लिए आपको एक अभिषेक चाहिए, एक शक्ति चाहिए। वो कौन सा अभिषेक है, कौन सी आत्मा का है, परमेश्वर की आत्मा, सत्य की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान की आत्मा। हम प्रार्थना करें, प्रभु ये आत्मा मुझको चाहिए ताकि आने वाले हर प्रकार की विपत्ति से, धोखा से मैं बच के निकलने पाए। हालेलुया, धोखा और बहुत सारी बातें आपके जीवन में आएगा, लेकिन उस समय ये पवित्र आत्मा आपकी सहारा मिलेगा, जाने का रास्ता बताएगा, आपको सही जगह पर डेस्टिनेशन में पहुंचा देगा। प्रभु के वचन के अधीन मेरे को परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, परमेश्वर के दास के द्वारा हमने सुंदर वचन सुना है, गवाही की ओर हम बढ़ेंगे। सबको आज समय नहीं दिया जाए।